Hello students, welcome to the class. This is an introductory class on how to prepare for civil services. Now in this series on introductory classes on preparation for civil services, I will be doing about 12 classes on how to prepare for civil services. Ki IAS ke exam ka taiyari kis tarah karna chahiye, civil services jo exam hai uska taiyari kis tarah karna chahiye. तो इस एग्जाम का हर एक पहलू हम इन सब इंट्रोडक्टरी क्लासेस में जानेंगे. हर एक चीज के ऊपर फोकस होगा. इस एग्जाम किस तरह का एग्जाम है, इस एग्जाम का नेचर किस तरह का है, इस एग्जाम का सिलेबस किस तरह का है, कितने लोग इस एग्जाम को देते हैं और कितने लोग इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाते हैं. तो ये सब बातें बहुत डिटेल में हम इनके ऊपर बात करेंगे. ऑप्शनल सब्जेक्ट का तैयारी किस तरह करना चाहिए, जीएस का प्रिपरेशन किस तरह करना चाहिए, आंसर राइटिंग डेवलपमेंट किस तरह करना चाहिए. तो ये सारा एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जो मैं डिजाइन करने जा रहा हूं ब्रेनी आईएएस की तरफ से. और इन लेक्चर सीरीज में ज्यादातर जो यूज है वो बायलिंगुअल का यूज रहेगा, इंग्लिश कम हिंदी का यूज रहेगा, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि ये एग्जाम क्या चीज है. सबसे पहला चीज जो बहुत समझना जरूरी है वो ये है कि ये एक एग्जाम जनरली कंसिडर किया जाता है कि ये एक टफेस्ट एग्जाम है. टफेस्ट एग्जाम इसको क्यों कंसिडर किया जाता है, इसीलिए क्योंकि लगभग 12 लाख कि करीब कैंडिडेट हैं जो इस एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं. तो 12 लाख कैंडिडेट एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है. 12 लाख कैंडिडेट तो जो यूपीएससी आईएएस का जो पेपर है, 12 लाख कैंडिडेट इसको फिल करते हैं. 12 लाख के बाद सिर्फ 6 लाख ऐसा कैंडिडेट रहता है जो इस एग्जाम को देने पहुंचता है. मीन 6 लाख बच्चा सिर्फ फॉर्म फिल करता है, पेपर देने नहीं जाता है. तो पहला जो स्टेज है, दैट इज द प्रीलिम्स स्टेज, वो सिर्फ 6 लाख कैंडिडेट देता है पेपर. 6 लाख कैंडिडेट में से सिर्फ 13,000 के करीब कैंडिडेट है जो पहली स्टेज को पास करता है और जो दूसरी स्टेज का एग्जाम देने जाता है, मेन्स स्टेज का. और जो स्टूडेंट्स मेन्स स्टेज को क्वालिफाई करता है वो सिर्फ 2500 से लेके 3000 के करीब रहता है. और जो फाइनल कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होता है वो केवल 1000 के करीब रहता है, डिपेंडिंग अपॉन यूपीएससी कितना सीट हर साल नोटिफाई करता है. इस जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का, उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें चेंजेस आती रहती हैं. कभी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स रहता है, कभी कम नंबर ऑफ सीट्स रहता है. नाउ ये जानने से पहले कि इस एग्जामिनेशन में कितनी स्टेजेस हैं और ज्यादा डिटेल में, और इन स्टेजेस को किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, पहले हमें नेचर जानना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन है क्या और इस एग्जामिनेशन के लिए कोर किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि हमारा पेपर इजीली क्रैक हो सके. पहले तो इस एग्जाम का जो नाम है वो सीएससी है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यह सिविल सर्विसेज क्या चीज है. सिविल सर्विसेज एक ऐसी नौकरी है सरकार के अंदर जिसमें आप सरकार के प्रशासन का पार्ट बनते हो, और सरकार के प्रशासन का पार्ट आप बहुत ऊपर वाले लेवल के ऊपर बनते हो. आप बहुत हायरार्की के हायर ऑर्डर में एंट्री पाते हो. ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट करोगे क्लेरिकल लेवल से और फिर ऊपर जाओगे. सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करने के बाद जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आपका जो एंट्री है काफी हायर लेवल पे हायरार्की में एंटर आप हो जाते हो. अब ये सिविल सर्विसेज क्या है, अभी ये प्रशासन क्या है, अभी देश को चलाने के लिए जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनमें रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि देश को चलाने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे रियलम्स हैं जिन सेक्टर्स में काम करना जरूरी रहता है.
हमारे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, देश की पुलिस को चलाना एक एडमिनिस्ट्रेशन है, देश के रेवेन्यू को रन करना वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं हमारे पास। हमारे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको रन कौन करता है, आईएएस ऑफिसर्स। हमारे पास पुलिस प्रशासन है जिसको कौन रन करता है, पुलिस। हमारे पास रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको कौन रन करता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाले आईआरएस ऑफिसर्स। तो इन सब डोमेन्स में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का ये पेपर है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि इस एग्जाम के साथ रुतबा बहुत जुड़ा हुआ है, सोशल स्टेटस बहुत जुड़ा हुआ है, ये जॉब्स बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव हैं। उसी का कारण है कि ये इस एग्जाम को 12 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए हर साल तकरीबन फॉर्म फिल करते हैं। सिलेक्शन केवल 1000 लोगों का होता है। अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो बहुत टफ कंपटीशन लगता है इस एग्जामिनेशन का। बट ये हम सब नेक्स्ट क्लास, जो सेकेंड क्लास रहेगा इंट्रोडक्टरी क्लास, उसमें हम ये जानेंगे कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है। इस एग्जामिनेशन में तो हमने तीनों स्टेजेस को बस समझना है, प्री स्टेज क्या है, मेन स्टेज क्या है, इंटरव्यू स्टेज क्या है, और किस स्टेज का जो प्रेपरेशन है पहले करना चाहिए। अभी इस एग्जाम में जिस तरह मैंने आपको बताया, तीन स्टेजेस हैं, प्री है, मेन्स है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू टेस्ट है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्री स्टेज में क्या होता है। जो प्री स्टेज है इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑब्जेक्टिव स्टेज। विच स्टेज? ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेज है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पहली स्टेज में। इसमें दो पेपर रहते हैं आपके, एक आपका जीएस का पेपर रहता है और दूसरा जो आपका पेपर रहता है वो सी सैट का पेपर है। अभी ये जो जीएस है इसका नाम है जनरल स्टडीज। अभी जनरल स्टडीज क्यों पढ़ाया जाता है सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स को, जो लोग प्रशासन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको जनरल स्टडीज क्यों पढ़ाया जाता है, जीएस? नो, अगर आप इस पेपर का नाम देखें तो पहला जो वर्ड है वो एक जनरल वर्ड है। जनरल वर्ड का क्या मतलब है? सामान्य। और सामान्य ज्ञान चाहिए स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को जो चाहते हैं सिविल सर्विसेज में आना। अब ये सामान्य ज्ञान का क्या मतलब है, जनरल स्टडीज का क्या मतलब है, और जनरल स्टडीज ही क्यों पढ़ाया जाता है, जनरल चीजें क्यों बताई जाती हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। क्योंकि इस देश का जो प्रशासनिक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा, वो एक जनरलिस्टिक काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। हमारे पास हमारा जो प्रशासनिक सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड नहीं है। अगर आप यूएसए में देखो, यूएसए में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जो चयन होता है, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म से होता है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है एक पर्टिकुलर डोमेन का, अगर स्पोर्ट्स का आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आप स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो। बट हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ जनरल अवेयरनेस है और आपके पास वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन भी नहीं, अगर आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, एमए किया है, एमएससी किया हुआ है, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। आप सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए आपको और आप सिविल सर्विसेज में किसी लेवल के ऊपर भी पहुंच सकते हो, किसी भी डोमेन में पहुंच सकते हो। तो स्पेशलाइज्ड नहीं है, इसीलिए जनरल स्टडीज पढ़ाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस एग्जाम में, इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी कुछ आप पढ़ते हो ये आपको अंदर से बदल देता है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपको चेंज कर देता है। क्यों ये चेंज, ये बदलाव क्यों जरूरी है? ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्रशासन में जाओगे उस बदलाव की वजह से ही आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन पाओगे। और बदलाव का यहां पर क्या मतलब है? बदलाव का यहां पे मतलब पूरा जीएस के साथ जुड़ा हुआ है। जो जनरल स्टडीज है इसमें आपको क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है हमारे देश का। इसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, भूगोल पढ़ाया जाता है, आपको इकोनॉमी पढ़ाया जाता है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है, आपको पॉलिटी पढ़ाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको जनरल स्टडीज में पढ़ाई जाती हैं। अब ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जाती है, उसके पीछे कारण क्या है?
अब एक प्रशासनिक अधिकारी एक अच्छी तरह से प्रशासन को तभी चला पाएगा जब उसको देश का इतिहास पता होगा, भूगोल पता होगा, और उसकी आर्थिक व्यवस्था किस तरह की है और किस तरह की आर्थिक नीतियां हैं और आर्थिकता किस तरह से कैरी आउट होती है उस देश में, उस देश की पॉलिटी किस तरह रन होती है, ये सब चीजों का जब उसको ज्ञान होगा तभी वो एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन पाएगा। क्योंकि इन सब की इंफॉर्मेशन से, इन सब की नॉलेज से ही आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन पाते हो। तो जो पहला स्टेज है प्री का स्टेज, उसमें आपको पूरा भारत का ज्ञान दिया जाता है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की पॉलिटी, और जो भी करंट अफेयर में चल रहा है, इस देश में क्या घटित हो रहा है, इस देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब का आपको इन्फॉर्मेशन रहता है बेसिकली इसी चीज के। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब इसमें यहां पे क्या है कि आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस अपना बढ़ाना होता है। और जो पहला स्टेज है इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो 100 क्वेश्चन है पहली स्टेज का आपका मेरिट डिसाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डिसाइड करता है? मेरिट। और दूसरा आपके पास जो पेपर है वो सी सेट का है, इसमें 80 क्वेश्चन है, ये भी 200 मार्क्स के, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। सिर्फ 27 क्वेश्चन आपको ठीक करना है 80 में से, आप क्वालिफाई कर जाओगे सी सेट का स्टेज। मेरिट आपका डिसाइड करता है जीएस का पेपर। जीएस में अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लगभग कितना मार्क्स चाहिए, किस तरह से प्री स्टेज को क्रैक करना है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा बाद में। एक स्पेशल क्लास इसके ऊपर हम कंडक्ट करेंगे, अभी हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। नाउ फॉर द मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये जानना है कि सेकेंड जो स्टेज है हमारे पास, दैट इज द मेन स्टेज, वो क्या है, उसका नेचर क्या है। क्योंकि पहला स्टेज का तो नेचर हमने जान लिया है, पहले स्टेज का नेचर है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो दूसरा स्टेज है उसका जो नेचर है वो सब्जेक्टिव नेचर है। सब्जेक्टिव नेचर है, डिटेल में हर पेपर का एनालिसिस होगा, जीएस मेंस पेपर 1, 2, 3, 4, किस तरह प्रेपरेशन करना चाहिए, सब चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में बहुत ज्यादा सिर्फ नेचर ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किसका प्रेपरेशन पहले करना चाहिए। तो दूसरा हमारे पास स्टेज है मेंस का स्टेज, जो कि सब्जेक्टिव है। इसमें 9 पेपर रहता है, 9 में से आपका GS 1, 2, 3, 4 प्लस ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 रहता है, प्लस आपका एसे का पेपर है। एंड अपार्ट फ्रॉम एसे 2 पेपर रहते हैं आपके लैंग्वेज के, एक तो रीजनल लैंग्वेज का पेपर रहता है आपका, प्लस एक और पेपर रहता है, वो रहता है इंग्लिश का। अब रीजनल लैंग्वेज का पेपर और इंग्लिश का पेपर, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर हैं, इनका मार्क्स नहीं जुड़ता, जो आपका मेरिट बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे जानने के लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि जो प्री स्टेज है आपका, प्रीलिम्स का स्टेज है, प्रीलिम्स का स्टेज का मार्क्स आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। मीन जो प्री का मार्क्स है वो सिर्फ एक पासपोर्ट स्टेज है, वो एक सिर्फ टोटल ओवरऑल वो क्वालिफाइंग स्टेज है। जिस मीन्स 13,000 में जब आप आते हो, अब 13,000 की कैटेगरी में आप आ गए हो, बहुत ज्यादा स्कोर लेके आप 13,000 में आए हो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आप इसमें आ गए हो वो मैटर करेगा। अभी मेन स्टेज आपका मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ के आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इस एग्जाम का है मेंस स्टेज। अगर आप मेंस स्टेज में अच्छा नहीं कर रहे हो, मीन्स यू आर नॉट सूटेबल फॉर सिविल सर्विसेज। क्योंकि जो स्किल रिक्वायर्ड है आईएएस में, क्या स्किल रिक्वायर्ड है उसके लिए अलग से एक क्लास, एक डिफरेंट क्लास है जो हम करेंगे, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तीसरा क्लास रहेगा वो, चौथा क्लास रहेगा कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। तो हर चीज का हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करने के लिए क्लासेस को डिजाइन किया है, इंट्रोडक्टरी क्लासेस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है और इंटरव्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरव्यू ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाता है अगर आप मेंस का बहुत अच्छा आपका ग्राउंडिंग है, बहुत अच्छे से आपने मेंस स्टेज को हैंडल किया हुआ है। तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये चारों स्टेज क्या है,
चारों जो पेपर हैं 250 मार्क्स ईच हैं, तो टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो बेसिकली कितने हैं, 1000 मार्क्स का आपके पास जनरल स्टडीज है। नाउ आउट ऑफ 1000 आपको हाई स्कोर करना पड़ता है जीएस में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके पास, कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, साइंस के भी कर सकते हो, आर्ट्स के भी कर सकते हो। यूपीएससी जब नोटिफाई करता है हर साल पेपर का, तो वो एक लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट बताता है जिसमें से आप चूज कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। और ऑप्शनल कैसे चुनना चाहिए उसके ऊपर एक अलग क्लास होगा। अभी ऑप्शनल टोटल 500 मार्क्स का रहता है और एसे आपका रहता है 250 मार्क्स का। तो जो मेन स्टेज है 1750 मार्क्स का स्टेज है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1750, 1750 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 1750 में से अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको इंटरव्यू को कॉल भी नहीं आएगा। कितने पे कॉल आता है, कैसे उसको अचीव करना है, वो सब जीएस पेपर 1 2 मेंस का स्ट्रेटजी, मेंस कैसे क्रैक करें एक अलग क्लास है उसके ऊपर, प्री कैसे क्रैक करें एक अलग क्लास है उसके ऊपर, कितना रिविजन्स करना चाहिए एक अलग क्लास है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए एक अलग क्लास है, नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए एक अलग क्लास है। तो हर एक एस्पेक्ट को बहुत गहराई में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक गलत डिसीजन अगर आपने ले लिया तो पूरा एक साल दो साल आपका लाइफ का बर्बाद हो जाता है। आप एक राइट कैंडिडेट नहीं बनते हो सिविल सर्विसेज आईएएस की तैयारी करने के लिए। 1750 में आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरव्यू आ जाए। जनरली कितना स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है, 50% के करीब अगर आपका मेंस में स्कोर आ जाता है तो यू विल बी इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स। ये स्कोर कैसे आएगा, वो तब आएगा जब आपका जो प्रेपरेशन का डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहां पे यूज किया है, डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? अभी डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपके पास दो डायरेक्शन है तैयारी करने का। पहला तो आपको प्रीस्ट का तैयारी कीजिए, फिर आप मेंस का तैयारी कीजिए। दूसरा डायरेक्शन है मेंस का तैयारी कीजिए, फिर आप प्रीलिम्स का तैयारी कीजिए। अगर आप पहले मेंस का तैयारी कर रहे हो उसके बाद प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हो, ये सबसे ऑप्टिमम जो आपका स्ट्रेटजी रहेगा। और सबसे पुअर स्ट्रेटजी जनरली रहता है, पहले लोग प्रीलिम्स का तैयारी शुरू करते हैं फिर वो मेंस का तैयारी शुरू करते हैं। प्रीलिम्स का तैयारी पहले मेंस का तैयारी क्यों करना चाहिए, वो इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जो मेंस के स्किल हैं वो बहुत ज्यादा स्किल है, रीडिंग स्किल है, अंडरस्टैंडिंग है, थॉट डेवलपमेंट है, राइटिंग स्किल है, वो एक क्षमताओं को डेवलप करने वाला स्किल है। मेंस का पेपर ही है जिसमें आपकी प्रशासनिक एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और आपकी प्रशासनिक क्षमता डेवलप होती है। जो प्री है उसमें आपका प्रशासनिक क्षमता डेवलप नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ओनली अबाउट रीडिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल, थॉट डेवलपमेंट और आंसर राइटिंग वहां पे रिक्वायर। अब इन बातों में बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पे नहीं बात करेंगे, इसके ऊपर अलग क्लास बनाया हुआ है हमने। अभी डायरेक्शन आपका जनरली मेंस टू प्रीलिम्स रहना चाहिए, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें यह बताना भी जरूरी है कि कितना आइडियल समय है इस तैयारी करने का, कम से कम एक साल, 1 ईयर बिफोर द प्रीलिम्स। 2019 का प्रीलिम्स मई में होगा तो ये बहुत जरूरी है, कम से कम मई 2018 में आपका तैयारी शुरू होना चाहिए और पहले 7 महीने आपको सिर्फ मेंस का तैयारी करना है, उसके बाद आप प्रीलिम्स का तैयारी कीजिए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। अभी इस इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने 2-3 चीजें डिस्कस की हैं। पहले तो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, तो 3 स्टेजेस है हमारे पास एग्जाम का। जनरल नेचर है इस एग्जामिनेशन का और डायरेक्शन क्या है इस एग्जामिनेशन का, कैसे प्रेपरेशन करना चाहिए। अभी पहली चीज तो जो एक मिथ रहता है कि ये पेपर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारा इतना कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है कि इतना मुश्किल है 12 लाख में से 1000 में आना, मुश्किल लगता है अगर ऊपर ऊपर से देखें, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। अगर आप इसको बहुत गहराई में सब एग्जाम को जानेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं है।
क्योंकि जो हजार लोग सेलेक्ट होते हैं और जो यूपीएससी डिमांड करता है कि उनको किस तरह के लोग चाहिए, ये जो हजार सेलेक्ट होते हैं इनमें भी वो क्वालिटीज नहीं होती। अगर आप वो कुछ क्वालिटीज अपने आप में डेवलप कर लेंगे, अपना कोर डेवलप कर लेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेंगे, तो यहां हजार में आना बहुत ईजी है। तो इस एग्जाम में सबसे बड़ा क्या है, आपका चेंज आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये एग्जाम आपको अंदर से भीतर से बिल्कुल बदल के रख देता है। सो ये हमारा पहला क्लास है। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस करना है कि ये एग्जाम इतना मुश्किल क्यों नहीं है, और तीसरी में स्किल के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसीक्वेंटली हर एक छोटी छोटी चीज को हम डिस्कस करते चलेंगे। So this was all for the day. You can subscribe to this channel. Name of the channel is Brainy IAS. You can contact me at 84594-000 in case you have any sort of query about civil services preparation. And moreover, if you are interested in joining the online and offline classes in Delhi or in Chandigarh, you can contact me at the same number. We provide offline means classroom coaching in Delhi and in Chandigarh. And you can also buy material, or you can also buy the video classes from us, or you can also join our test series, and you can also join my public administration batch in Delhi or in Chandigarh. So this was all for the day. Bye bye. Take care. Have a nice day.